गुजरात में पिछले काफी समय से शिक्षित बेरोजगार युवा सरकार के सामने अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, पर सरकार इन युवाओं की मांग को गंभीरता से नहीं ले रही है। ऐसे में अब मानो इन युवा छात्रों ने खुद विधानसभा पहुंचने की ठान ली हो, ऐसा लग रहा है, क्योंकि गुजरात में विधानसभा की 8 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं और इस चुनाव में हिस्सा लेने के लिए बेरोजगार युवा छात्र बड़ी तादाद में फॉर्म भर रहे हैं और आज हालात ऐसे उत्पन्न हुए, लिमिडी सीट से नामांकन फॉर्म कम पड़ गए। साथ ही में इन शिक्षित बेरोजगार युवाओं ने यह ऐलान भी किया है कि वो दूसरी सीटों पर से भी चुनाव लड़ने के लिए पर्चा भरेंगे। इसी मुद्दे पर शिक्षित बेरोजगार युवाओं के आंदोलन को लीड कर रहे दिनेश बांबनिया ने गुजरात तक से बातचीत की। आप भी सुनिए क्या कहा दिनेश बांबनिया ने। दिनेश भाई, गुजरात तक में आपका स्वागत है। खास करके हम आपसे यही सवाल पूछना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि आप इतने सारे स्टूडेंट ने आज एक साथ पर्चा भरा और वो भी चुनाव के लिए। गुजरात की जो अभी स्थिति है, गवर्नमेंट जो बता रही है, गुजरात गवर्नमेंट का एक तो फेलियर जो माना जाए, 2015 से लेके आज तक गुजरात गवर्नमेंट की जो सिचुएशन रही है, उसी सिचुएशन में नौकरियां दी नहीं जा रही है। एग्जाम लेने के बाद में, क्वालिफिकेशन क्लियर करने के बाद में, कॉम्पिटिशन में अव्वल नंबर आने के बाद में भी वो 5 साल के बंदे सब अपॉइंटमेंट के लिए कोर्ट कचहरी और सभी पुलिस को सामने फेस करके आंदोलन कर रहे थे। लेकिन गुजरात गवर्नमेंट लास्ट 3 महीने से जो बंदे आंदोलन के बात रखना चाहते हैं, वो सभी लोगों को पुलिस अरेस्ट करती है, कंप्लेन दी जाती है, उसके ऊपर दबाव डाला जाता है, उसको परेशान किया जाता है। लास्ट में तो ऐसा हुआ कि सभी बच्चों का मोबाइल पे ले लिया गया और 188 के तहत यहाँ पे एक एपिडेट का के हिसाब से धमकाया जाता है। तो अभी 12 दिन से लड़कियां उपवास पे बैठी है, लेकिन गवर्नमेंट कुछ ना बात सुनने को रेडी है ना कुछ करने को रेडी है। एक महीने पहले गुजरात के बताया था कि हम 8,000 अपॉइंटमेंट देंगे और 20,000 भर्तियां नहीं करेंगे। लेकिन दिनेश भाई, एक बात जो है सामने जो आई है वो यही है कि जितने भी करीब 100 जितने स्टूडेंट, खास करके एलआरडी मेल के जो युवा है, उन्होंने आज लिमड़ी के अंदर अपना नामांकन दाखिल किया है उपचुनाव के लिए। उपचुनाव लड़ने का फैसला क्यों लिया आप लोगों ने? हमें ना तो समय दिया जाता है, हमें मिलने का टाइम दिया जाता है, तो जो इसके ये लीडर लोग जो रोजगार ले रहे हैं, हम उसको बेरोजगार करने की सिस्टम के जनता पार्टी के खिलाफ पूरे गुजरात के जो अभी 8 असेंबली का इलेक्शन है, बाय इलेक्शन है, उसमें हम नामांकन भरेंगे। 5 सीट में एक गांव के अंदर एक रोज सभा करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की जो फेलर है, जो हमें वायदे दिखाए गए थे सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और रोजगार में जो गवर्नमेंट का फेलियर है वो सब हम बताएंगे। दूसरा, हमारे ऊपर अत्याचार हुआ है। गुजरात के युवा सिर्फ जॉब मांग रहे हैं। और दूसरी बात प्रोफेसर मैडम, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये कोई रोजगार मांगने वाली बात नहीं। आपने एडवर्टाइज, गवर्नमेंट ने एडवर्टाइज दिया, वो एडवर्टाइज हमने क्लियर किया, पुलिस वेरिफिकेशन क्लियर किया और 5 साल तक हम अभी आज तक अपॉइंटमेंट लेटर नहीं पा रहे हमें दिया जा रहा है। तो उसका मतलब क्या है? आप हमारे साथ चीटिंग कर रहे हैं, आप हमारे साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं और आप बड़े बड़े वायदे करते हैं कि हमने इतना रोजगार दिया, इतना रोजगार दिया। गुजरात में 3 साल में गवर्नमेंट बता रही है कि हम 3,000 लोगों को सरकारी नौकरी दी है, ठीक है। गुजरात गवर्नमेंट की वेबसाइट पे लिखा है कि 38,000 अपॉइंटमेंट उसमें हमने जो लिस्ट भेजा है गवर्नमेंट, जो हमने सभी डिटेल आता है वो 54,000 आ रहा है। तो 1,03,000 के सामने आपने 50% अपॉइंटमेंट दिया ही नहीं, तो फिर आप क्यों बात करें कि हम रोजगार दे रहे हैं? दूसरे, 2012 में जो इलेक्शन में वायदे किए गए थे वो आज तक खत्म नहीं, 2014 में वायदे किए गए थे वो भी आज खत्म नहीं हुए, 2015 में भी खत्म नहीं हुए, 2017 में भी खत्म, 2019 में भी खत्म नहीं हुए और ये 2020 की इलेक्शन आ रही है,
300 में वायदा कर रही है कि हम 20,000 नौकरियां देंगे। अरे हम तो ट्रांसफर आते हैं, हम सभी क्वालिफिकेशन क्लियर करके हम अपना अपॉइंटमेंट चाहते हैं। ना हमारा कोई पार्टी से विरोध है, ना हम कोई पार्टी से हमारा लगाव है, लेकिन हम सिस्टम के सामने लड़ रहे हैं क्योंकि सभी बंदों की उम्र खत्म हो रही है, एज का प्रॉब्लम आ रहा है, सबकी मार्कशीट की वैलिडिटी का खत्म आ रहा है। 19-10 को टेट के स्टूडेंटों का मार्कशीट की वैलिडिटी खत्म हो रही है, उन लोगों का क्या होगा जो अपनी पूरी लाइफ का जो है उसके पीछे लगा के बैठे है। लेकिन चुनाव लड़ने का फैसला क्यों किया? जी चुनाव लड़ने का एक ही फैसला है, हम जहाँ जहाँ पे भाजपा की रैलियां होगी, जहाँ पे भाजपा की सभाएं होंगी, हम वहां के जाके बैठेंगे, उसके पीछे पीछे घूमेंगे। हमें जीतना नहीं है, लेकिन हमें प्रचार के लिए हमें लड़ना है कि हमारी बात लोगों के बीच में पहुंचाई जाए, कि इन लोगों ने कितने वायदे आज तक किए थे और उसमें से कितने वायदे इन लोगों ने अभी सेट किए हैं, कंप्लीट किए हैं। दूसरा ये है कि हम परमिशन मांगते हैं। अगर आपने सुना प्रेसिडेंट भाजपा के PR पाटिल साहब पूरी रैलियां निकालते हैं, एक भी FIR नहीं होती, बंदे बीच लोग बैठ के गार्डन विरोध बता रहे हैं, उसके ऊपर 188, 268 और 270 की कलम लगा के उसके ऊपर दबाव डाला जा रहा है। तो ये तो कहाँ की लोकतंत्र का बंधन हुआ हमें हमें हमारे हिसाब से। दूसरा, हमें आज के आज नहीं मांग रहे, 5 साल हो गए हमारी। 2016 में हमने एग्जाम किया था, 2016 में हमने वेरिफिकेशन क्लियर किया था, हम 2017 में कोर्ट में गए, 18 में कोर्ट ने ऑर्डर दिया, फिर भी लोग नहीं मांग। बिल्कुल, ये जो युवा है, ये बेरोजगार युवा है, नामांकन के लिए अपना पैसा कहाँ से जुटाएंगे, क्योंकि उनके लिए उनको डिपॉजिट भरनी रहती है, और खास करके अगर चुनाव लड़ना है तो एक पूरी रणनीति भी बनानी रहती है। हम चाहते हैं कि वोल्डरी करेंगे, हमारे से जितना पैसा होगा हमारे पैसे से देंगे, हम इस सभी पार्टियों से मदद मांगेंगे, जिससे मदद मांगेंगे परिवार मांगेंगे, और हमने इलेक्शन कमीशन को भी लिख के दिया है कि हम बेरोजगार हैं, हम ये कुछ दिया जाए, अगर ये नहीं होता, अगर ये पॉसिबल नहीं है, तो जो अपोजिशन वाले हैं उनसे हम उधार लेके भी हम अपने डिपॉजिट भरेंगे, और डिपॉजिट के सामने जितने भी जातिगत कारण से जो पॉलिटिकली के जो रीजन होता है, जो जातिगत रीजन होता है, सामाजिक रीजन होता है, जो सोशल रीजन होता है, वो सबको सेट करके हम गुजरात में रोजगारी के लिए राजनीति करेंगे। हमें रोजगारी चाहिए, अगर गवर्नमेंट हमें करती हमसे, हमें सही टाइम दिया जाता है, हमें सही इस तरह से सुना जाता है, तो हम इलेक्शन का कोई हमारा रोक नहीं है। चलिए दिनेश भाई, गुजरात तक से बात करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू।